नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को हवाई से बोस्टन के लिए जा रही एक फ्लाइट में 14 वर्षीय लड़की के सामने हस्त मैथुन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये मामला पिछले साल का है। एक ट्वीट में FBI के आधिकारिक बोस्टन अकाउंट से गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। इसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति पिछले साल हवाई से बोस्टन जा रही फ्लाइट में 14 वर्षीय लड़की के सामने कथित तौर पर अश्लील हरकतें कर रहा था। बोस्टन में संघीय अदालत के सामने पेश होने के बाद उसे जाने दिया गया है। दोषी साबित होने पर उसे 90 दिनों की जेल और उसके बाद 1 साल की निगरानी में रिहाई और $5,000 तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी। गुरुवार को बोस्टन संघीय अदालत में मामले में दायर एक हल्फनामे में कहा गया है कि 33 वर्षीय डॉक्टर सुदीप्त मोहंती ने 27 मई 2022 को हवाईन एयरलाइंस की फ्लाइट में अनुचित व्यवहार किया था। डॉक्टर मोहंती कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में रहते हैं। फ्लाइट में उसने कथित तौर पर नंगा होकर एक युवा लड़की की उपस्थिति में अनुचित दोस्तों आचरण किया है। नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि फ्लाइट के उड़ान भरने के लगभग 5 घंटे बाद मोहंती ने खुद को कंबल से ढक लिया और उसे अपनी गर्दन तक खींच लिया। इसी दौरान लड़की ने देखा कि आरोपी अपने पैर को ऊपर नीचे उछाल रहा था। इसके तुरंत बाद कंबल खिसक गया, जिससे पता चला कि मोहंती की पैंट की जिप खुली हुई थी, जिससे उनका गुप्तांग बाहर आ गया। लड़की को घृणित और बहुत असहज महसूस हुआ और वह तुरंत एक अलग सीट पर चली गई थी। घटना के दौरान मोहंती एक महिला साथी के बगल में बैठे थे, जो उनके कंधे पर सिर रखकर सोई थी। फ्लाइट के बोस्टन पहुंचने के बाद नाबालिग ने अपने परिवार को परेशानी करने वाली घटना के बारे में सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को बताया। अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक जब सवाल किया गया तो मोहंती ने जवाब दिया, मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है। लेकिन बाद में उसने अपनी गलती कबूल ली और अब उसे सजा मिली है। तो बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।